Hey guys, so welcome to this particular lesson. अभी अभी हमने discuss किया about karyokinesis. I think you are very clear about what karyokinesis is. हमने cell को इस particular stage में छोड़ा. Nuclear division हो चुका है. इस part में nuclear region अलग, इस part में अलग nuclear region. अब जो हमारे पास बच रहा है ये cell है हमारा. इसको दो daughter cells में इस तरह से divide होना है. इस particular lesson में हम वही discuss करने जा रहे हैं about cytoplasmic division in plant and animal cell. So let's have a look and clarify ourselves about the topic. Let's begin. So yeah guys, let's have a look at cytokinesis. Basically when I say cytokinesis, I mean cellular division. Cyto जो term है इसका मतलब है cell. Kinesis जो term है इसका मतलब it's basically related to motion kinesis, kinetic तुमने सुना होगा. Okay. So the thing is what we can infer here is related to motion means क्योंकि cells divide हो रहे हैं तो हम उसको यहाँ infer करते हैं cellular division और to be more precise cytoplasmic division. अभी तक हमने पढ़ा है about the karyoplasmic division. न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, हमने टेलोफेज पे ला करके छोड़ दिया. अब क्या करना है, जैसा मैंने तुमको बताया कि सेल एक स्टेज में है जहाँ उसको दो डॉटर सेल्स बनना है. न्यूक्लियर दो पार्ट हो चुका, सारे ऑर्गेनलीज डिवाइड हो चुके, खाली जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो हिस्सा अलग अलग सेट होना है. तो ये प्लांट और एनिमल सेल्स में दो अलग अलग तरीके से होता है. ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का फंक्शन स्ट्रक्चर अलग अलग है. और यू विल बी क्लियर, वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, लाइक कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल्स में नहीं होती है. सो दिस इज द वेरी रीजन, दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट इन केस ऑफ एनिमल्स. सो लेट्स हैव अ लुक. Cytokinesis in animal cells. See, what happens in animal cell? There is no plant cell wall, so it's pretty simple. Let's have a look at the diagram. See, this is the case of animals. What happens is there are microfilamentous ring is created, and this ring moves on towards the center, goes on developing a plasma membrane. From this side it moves towards the center, from this side it moves towards the center. You can have a look. There's a cleavage furrow formation, and this is how two daughter cells are obtained. So the thing is, फरो अपीयर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसको हम कहते हैं फरो स्ट्रक्चर. ओके, क्लेविज फरो बोलते हैं इसको. सो फरो अपीयर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच गोज ऑन डीपनिंग. एंड क्योंकि तुम देख सकते हो ये फरो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है. तुमने दो टर्म सुनी होंगी, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल. सो व्हेन आई से सेंट्रीपेटल आई मीन टुवर्ड्स द सेंटर, व्हेन आई से सेंट्रीफ्यूगल आई मीन अवे फ्रॉम द सेंटर. सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट वॉज अ सेंट्रीपेटल फैशन. ओके, so that's how it happens. So क्योंकि ये towards the center है, so इसको हम लोग centripetal fashion of cytokinesis बोलते हैं in case of animal cells. Let's have a quick look at plant cells. Plant cells में cell wall है, तो तुमको नया cell wall का formation करना होगा. जैसे ये image के लिए बता दो, this is a copyright image, I downloaded it from Google. जिसके भी हैं I kept them full rights. यार इसलिए बोला यार, कभी copyright का कोई लोचा ओचा ना हो जाए, है ना. So yeah, see this. सी यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन तुम बीच में देख सकते हो. ग्रीन लेयर इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर ब्लैक इज द सेल वॉल. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गोल्गी बॉडी दिख रही होंगी तुमको, बहती हुई गोल्गी बॉडी. कुछ सेक्रीट किए जा रहे हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स कुछ सेक्रीट कर रहे हैं. फंक्शन पता है गोल्गी बॉडी का, हाँ तो ठीक है. तो गोल्गी बॉडी अलॉन्ग विद सम अदर सेल ऑर्गेनलीज व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट मेकिंग अ वॉल, बिल्ड द वॉल, है ना. ये इनका वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ जाता है. इसको हम लोग कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन. रिमेंबर द टर्म्स. सी सेल प्लेट बना, देन सेल प्लेट जॉइंट्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज बेसिकली द मिडिल लैमेला दैट फर्दर फॉर्म्स द सेल वॉल. फिर धीरे धीरे ये जो तुम्हारी मिडिल लैमेला बनी, ये फिर डिवाइड होगी, बीच में सेल वॉल बनता चला जाएगा, डिपोजिशन होता है. इसको डिटेल में तुमको नहीं पढ़ना, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा. किसी भी एग्जाम्स में कोई नहीं पूछा, ना पूछेगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है अबाउट द डिटेल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. तो जस्ट इतना ध्यान रखना कि सेंटर से स्टार्ट होता है, गोल्गी बॉडी सेक्रीशंस करता है, एक मिडिल लैमेला बनता है, मिडिल लैमेला मॉडिफाई करके बीच में एक सेल वॉल की लेयर ले आता है, और फिर ये दो पार्ट में सेपरेट हो जाता है, आधा इधर आधा इधर. फाइन, सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन दिस केस. और तुम देख सकते हो क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ है, एंड बीच से स्टार्ट हुआ और एंड की तरफ जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल फैशन ऑफ साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. सो बेसिकली जो लिखा है एक बार देख लेना, इज नथिंग मच. लेसन बहुत ही शॉर्ट था क्योंकि ज़्यादा कंसेप्ट थे नहीं. वो क्लैरिटी के लिए मैंने एक अलग लेसन रखा है जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरमिक्स ना हो और तुम क्लैरिटी के साथ टॉपिक को समझो. सो दैट्स इट अबाउट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. जो मैंने लिखा एक बार ध्यान दे देना. सो यार ये फिगर को ध्यान रखना, बहुत ही ईजी कर देता है अंडरस्टैंडिंग को. यहाँ क्लेविज फरो, सेंट्रीपेटल, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, वाया मिडिल लैमेला और सेल प्लेट फॉर्मेशन. फाइन, सो दैट्स हाउ वी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग. अगले लेसन से हम जाएंगे मियोसिस पर. मियोसिस वन डिस्कस करेंगे, फिर मियोसिस टू डिस्कस करेंगे, ठीक है.
फिर आई विल एंड द चैप्टर बाय टेलिंग यू सम द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस ओके माइटोसिस एंड मियोसिस. सो दैट्स हाउ वी एंड अप दिस लेसन. स्टे ट्यून्ड टू एन एकेडमी, स्टे ट्यून्ड टू माय कोर्सेज. एंड अगर किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट ड्रॉप करना, और या ऑब्वियसली फीडबैक जरूर देना तुमको कैसा लग रहा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, गंदा पढ़ा रहा हूँ, सब बताना ठीक है. और कोई भी डाउट हो कमेंट में डालना, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. वैसे टॉपिक बहुत सिंपल है, आई होप सो यू गेट टू नो मैनी थिंग्स एंड यू परफॉर्म वेल. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. ऑल द बेस्ट.